प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अभिभावकों से ली जा रही फीस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के शिक्षा सचिव को विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने LKG व UKG के छात्रों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का आंकड़ा भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से फीस न ले सके। वहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश का प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो स्कूल अभिभावकों से जबरन फीस मांग रहे हैं उन पर सरकार तत्काल कार्रवाई भी करे। कोर्ट ने सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के 2 मई 2020 के उस आदेश का पालन करें जिसमें सरकार द्वारा फीस देने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी न करें। अब सवाल ये उठता है कि देहरादून के सेंट पैट्रिक एकेडमी अभिभावकों को नोटिस भेजकर क्यों फीस जमा करने को कह रहा है, जबकि कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वहां फीस जमा करने को लेकर किसी भी प्रकार का नोटिस जारी न करें। लेकिन सेंट पैट्रिक एकेडमी कोर्ट के निर्देशों के बाद भी अपनी मनमानी पर उतारू है। इस महामारी के दौर में जब स्वास्थ्य सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, बच्चों को मोबाइल पर 5 घंटे रोजाना पढ़ाना कौन सी समझदारी है। कई अभिभावकों का मानना है कि ये सब स्कूल अपनी फीस लेते रहने के लिए कर रहे हैं और उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 3 to 4 hours बच्चे कंटिन्यूसली अगर मोबाइल्स लैपटॉप्स उनके सामने बैठेंगे तो उनकी आईज़ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। कि वही बच्चे हैं जिनको हम 10 मिनट के लिए भी अगर ये मोबाइल ले लेते थे तो हम लोग ये कहते थे कि आपकी आईज़ वीक हो जाएंगी, एज अ टीचर आप सजेस्ट करते थे, एज अ पेरेंट हम कहते थे कि आपकी आईज़ खराब हो जाएंगी। आई थिंक दिस द वे दीज क्लासेज आर बींग हैंडल्ड इज हार्मफुल फॉर द किड्स, दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द किड्स एंड we already were discouraging in the prior to this lockdown thing, we were discouraging all our children to not to use the mobile phones because of its harmful effects. But the schools now are forcing the children to sit in front of a mobile phone continuously for such a long time. वहीं कुछ पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि स्कूल अपनी फीस लेती रहे लेकिन बच्चों पर इतना बोझ न डालें। ये परेशानी उन पेरेंट्स को ज्यादा हो रही है जिनके बच्चे नर्सरी से तीसरी कक्षा तक में पढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट फिजिबल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज नॉट फॉर द पेरेंट्स। अर्लियर द शेड्यूल फॉर 2 classes वॉज गोइंग ऑन एंड आई थिंक इट वॉज सफिशियंट फॉर द किड्स ऑफ first class, second class, and I think the schedule which is given is more lengthy, more activity classes, dance classes, which is not necessary, I think. ये वो बच्चे हैं जो जूम या कोई और एप्लीकेशन खुद यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनके साथ एक पेरेंट को हमेशा बैठना पड़ रहा है। पेरेंट्स का ये भी मानना है कि अगर स्टडी फ्रॉम होम करवाना ही है तो स्कूल्स वीडियो और होमवर्क भेज दे और पेरेंट्स अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ाते रहें। यहाँ मसला स्कूल फीस का भी है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो लॉकडाउन के कारण अपना काम धंधा बंद करके घर पे बैठे हुए हैं और किसी तरह अपनी दाल रोटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नया एक जो तरीका स्कूल्स ने निकाला है कि मोबाइल द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, इस बात से मैं थोड़ा सहमत भी हूँ लेकिन बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यही स्कूल है और यही सारी शिक्षा प्रणाली है जो कि कहते आई है कि मोबाइल बच्चों को ना दें, मोबाइल से बच्चों को रेडिएशन फैलती है, नुकसान होता है, आंखों पर नुकसान होता है। और आज ये वही स्कूल हैं जो कि ये कह रहे हैं और कह रहे हैं बल्कि कर रहे हैं कि बच्चों को 5-5 घंटे मोबाइल पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? स्कूल इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर स्कूल बंद रहेगा तो शायद उनको लगता है कि सरकार ऐसी नोटिफिकेशन दे देगी कि स्कूल फीस नहीं ले सकता क्योंकि उसने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ फीस लेने के चक्कर में आप बच्चों को अगर ऐसे डेंजर में डालना चाहते हैं तो
एक तरीके से आप भी इस पैंडमिक में हिस्सेदार हैं। हर स्कूल के अलग अलग क्यों नॉर्म्स हैं, हर स्कूल अलग अलग नॉर्म्स क्यों फॉलो कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आ रहे हैं उसको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है, और अगर फॉलो किया जा रहा है तो फिर ये समस्याएं क्यों प्रकट हो रही हैं। मेरी यही दरखास्त है, मैं ये अपनी बात अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात करते हैं, वहां तक ये सारी बातें पहुंच पाए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल फीस में ट्यूशन फीस को अलग नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स से ज्यादा फीस की मांग की जा रही है। साथ ही साथ अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को क्लासरूम की तरह कार्य करने को कहा जा रहा है, जिससे कि बच्चों की आंखों पर ज्यादा असर पड़ रहा है और बच्चे आंखों में दर्द और सरदर्द की शिकायत कर रहे हैं।